प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश भर में तीसरी से सातवीं तक की कक्षाएं खुल चुकी हैं। छोटे बच्चों के स्कूल में आने से स्कूल प्रबंधन द्वारा विशेष प्रबंध आज किए गए थे। गर्ल्स स्कूल सोलन में भी प्राइमरी स्कूल की अगर बात की जाए तो स्कूल में तीसरी से पांचवीं तक की कक्षाएं लगाई गई। आज से शुरू हो चुकी इन कक्षाओं में आने से पहले बच्चों के हाथों को सैनिटाइज किया गया, उनका टेम्परेचर चेक किया गया और उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। स्कूल पहुंचे बच्चों का कहना था कि काफी लंबे अरसे के बाद वे स्कूल पहुंचे हैं, उन्हें स्कूल आकर अच्छा लग रहा है। उनका कहना था कि उन्हें ऑनलाइन क्लास लगाने में भी अच्छा लगता था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि यहाँ पर वे अपने टीचर और दोस्तों के साथ मिल सकते हैं। बच्चों का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस में कई बार कुछ डाउट्स रह जाते थे, उन्हें अब टीचर से पूछ कर वे दूर कर पाएंगे। बच्चों ने बताया कि स्कूल पहुंचने पर उन्हें टीचरों द्वारा मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायतें भी दी गईं। आज हम स्कूल आए हैं, मेरा नाम प्रियांशु है। हमें ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन अच्छा लगता है। हम अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं और हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। हमें मास्क लगाना है और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर करते रहना है। मेरा नाम संजीता है और हम बहुत टाइम के बाद स्कूल आए हैं और मुझे ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि हम कुछ डाउट हो तो हम मैम से पूछ भी सकते हैं इसीलिए, और हम अपने फ्रेंड से मिल भी सकते हैं। हम बहुत टाइम के बाद स्कूल आए हैं तो आज अच्छा लग रहा है स्कूल आते हैं। मेरा नाम अमृता है, हम आज स्कूल आए हैं और हमने मास्क भी लगाया, हमने सैनिटाइजर भी कराया और अगर हमको कोई डाउट होगा तो हम अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं। टीचर हमें ये बता रहे हैं कि हमें मास्क भी लगाना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ भी धोना चाहिए और किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। गर्ल्स स्कूल सोलन के सेंटर हेड रंजना नैयर ने बताया कि कक्षा को सैनिटाइज किया गया है, कक्षाओं में मास्क व ग्लव्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे से सातवीं की कक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। साथ ही स्कूल में 383 विद्यार्थी शिक्षक ग्रहण करते हैं, जिसमें आज 50% बच्चे ही स्कूल पहुंचे हैं। एक्चुअली हमने कल जब से अनाउंसमेंट हुई थी तभी से हमने स्कूल को साफ और सैनिटाइज करना शुरू कर दिया था। हमें कमेटी की तरफ से भी दो तीन लोग आए थे, उन्होंने भी स्कूल को सैनिटाइज किया है और साथ में हमारे जो अपने वर्कर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी पूरी तैयारी के साथ स्कूल को साफ किया है और साथ में SOP का भी ध्यान रखा गया है इसमें। और जो भी सैनिटाइजर्स हैं, ग्लव्स हैं और हमने बच्चों के लिए मास्क भी क्लासरूम में प्रोवाइड किए हैं ताकि जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश गए उसका सही से पालन किया जाए। पेरेंट्स तो मैं बोलूंगी, मैं कल भी बात कर रही थी कि बहुत ही ज्यादा उत्साहित है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चे घर पे ही ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा कि आप बच्चे जो आएंगे वो स्कूल में आकर पढ़ेंगे। और जैसे कि हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 383 है जिसमें से अभी हमारे पास सिर्फ थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ही क्लासेस ने आना है, पहली और दूसरी जो हमारी 15 तारीख से आएगी। तो जब भी अभी हमने देखा कि 50% के लगभग जो बच्चे हैं वो स्कूल में पहुंच चुके और कुछ अभी आ रहे हैं साथ साथ।